कितना रोऊंगी मैं, अब आदत हो गई है। अरे भैया क्यों रोना, दोनों चैनल सर्चिंग पे, दोनों चैनल पे ऐड चल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बेनिफिट चाहिए तुम्हें, बट यहाँ पे आके रोना रहना करना, क्यों भैया आप क्यों रोना। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति, और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों को इन लोगों का असली चेहरा दिखाने के। तो यहाँ पे आने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक छुटकन्नी जीजी का जो न्यू वीडियो आया है, अच्छा सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जीजी बहुत दिनों से ये बोल रही है कि चैनल टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, और मेरे पास मेल आ गया था 4 तारीख को, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या फिर मैं रोती, मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, मैंने दोबारा से अपना चैनल लॉन्च किया। जी चैनल लॉन्च करती हैं, ठीक है, थीके? अब दोनों चैनल पे जैसे कल भी मैंने बताया था, इन्होंने टाइटल के साथ एट द रेट जो होता है इनका सर्चिंग में आ रहा है, लिव लाइफ विद वी वाला भी और लिव लाइफ विद मी वाला भी, तो दोनों चैनल जी के सर्चिंग में भी आ रहे हैं, ऐड भी आ रहे हैं। लेकिन 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 अभी कुछ टाइम से जी बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जिज्जी का प्राइमरी चैनल हो गया है, जिज्जी का सेकेंडरी चैनल हो गया है। अरे जिज्जी पागल समझाया क्या, मतलब पब्लिक को कितना बनाओगे सी, हाँ मतलब एक बार बताइए, यहाँ पे लोगों को दिख नहीं रहा कि तुम दोनों चैनल पे हर दिन वीडियो डाल रहे हो, कभी इस चैनल पे आके जिनका जो मेन चैनल था अभी जो अब सेकेंडरी चैनल हो गया उस पर आके पहले बोलती हो कि इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन देने आती हो कि दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो डाउनलोड कर दिए। खैर सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इन्होंने जो अपने मेन चैनल जो इनका हो गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे करना है मोनेटाइजेशन। अब देखिए ऐड आने इनके वहाँ पे भी शुरू हो गए हैं, एकदम से बीमारियाँ, एकदम से इतना सिंपैथी कार्ड क्यों। कल से अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं, कल इन्होंने अपनी थायरॉयड तक का मैंशन किया है। भैया आज के टाइम पर आप लोग बताइए, इन्होंने ब्लड टेस्ट कराए, इनके भाई ने ब्लड टेस्ट कराए, तो अब दोनों भाई बहन इस चीज़ को, मतलब बीमारियाँ हो गई और ये सब चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं। पहली बात तो मैं बताऊं, आज के टाइम पे मैक्सिमम अगर आप लोग अपने ब्लड टेस्ट कराओ तो किसी का कुछ ना कुछ यार ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन फेरिटिन लीवर सीरम हाई है, आयरन की डेफिशिएंसी है, और जैसे इन्होंने बोला D3 की कमी है। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो इन सब चीज़ों की कमी होती ही है यार, कोई बात नहीं। लोग डॉक्टर आपको मेंशन करेगा कि आप आयरन टैबलेट्स खा सकते हो, मल्टीविटामिंस ले सकते हो, यार बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे तो भैया जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो भगवान ने सोच रखा है, मतलब अपने कर्म खराब करो, अच्छे से खाना मत खाओ, हमेशा चाय 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 करो। और इन्होंने आज की वीडियो में जो इन्होंने बोला था कि मेरे गैस्ट्रिक पेन होता था, लेफ्ट साइड हार्ट में कुछ लगता था, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ों की जब ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तब कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बात तो एक अच्छा हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब अच्छा खाना, ये नहीं होता कि सिर्फ पूरे दिन चाय 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 करते रहो, हाँ तो देखिए गैस का इशू हो जाता है, लेकिन नहीं यहाँ पे खाली पेट रहो। जब ये अपने ससुराल में थी तो ये अपनी ज़िद पूरी करवाने के लिए कई बार बच्चे को भी फीट नहीं कराती थी, सिर्फ खाना नहीं खाना, चाय 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 पूरी कर पीते रहने, चिल्ला मैगी, मतलब ये सब चीज़ें जो जंक फूड और मीठा खाना, ठीक है, वो इन्होंने खुद बोला है वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में जो इन्होंने अभी डाला था कि कितना रोऊंगी मैं, अब मतलब लोगों को आंसू दिखा के, बीमारियाँ दिखा के, काइंड ऑफ एक अदर सिंपैथी कार्ड फेंको और लोगों के सामने, ताकि लोग दोनों वीडियोस पे आए और अपना व्यू दे के जाएँ, चाहे खूब सारा प्यार दे, अरे भैया खूब सारे प्यार दे समझ जाओ, खूब सारे प्यार से मतलब है खूब गाली गलौज करके जाए, नहीं जिज्जी को चाहिए बस आओ व्यू दो और निकल लो। मतलब यहाँ पे फैमिली बोला जाता है कि आप लोग भी अपने हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में अपना चेकअप करवाओ, ये ज़रूरी है। फिर अपनी थायराइड की बातें करनी कि मेरे को कब से शुरू हुआ था, मेरे को बिफोर मैरिज था, और थायराइड इज़ अ लाइफस्टाइल डिसीज़, और ये ऐसा नहीं है, मेरा एकदम से वेट गेन स्टार्ट हो गया, मेरे को रिस्ट में प्रॉब्लम होती थी, पाँव रखने में प्रॉब्लम होती थी, बीमारियां क्यों आ रही हैं, ये चक्कर क्या है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बीमारियों का खेल, और प्राइमरी सेकेंडरी चैनल क्या हो गया जी, अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे आपके पास मेल आया तो मेल क्यों नहीं दिखा रहे हो, भैया हम तो परेशान हो गए, भैया मेल दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है। और अगर वाकई आपका चैनल हुआ है तो अभी तक आप उस चैनल पे भी डाल रहे हो, इस चैनल पे भी डाल रहे हो, आप ही के मुंह की वर्डिंग सारी झूठ प्रूव हो रही है, आपने बोला डीमोनेटाइज हो गया, ऐड भी रन कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जिज्जी जो इतना खेलम खेल खेल रही है बीमारियों का, जिज्जी ने आज बोला कि कितना रोऊंगी मैं, भैया मैं अब क्यों रोऊं, मेरे पास तो देखो बीमारी भी है, तो मेरे पास बीमारी भी हो गई, मेरा चैनल भी चला गया, लेकिन नहीं, मैं नारी, इंडिपेंडेंट नारी, सब पे भारी, मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपना दूसरा चैनल लॉन्च करूंगी, और बाकी जो भगवान ने सोचा, मतलब कर्म कांड खुद करो, अपनी गलतियां मानो मत, ठीक है, धमकियां दिलवाओ,
कॉपीराइट स्ट्राइक खुद जाके देकर आओ चैनलों को, छोटे छोटे चैनल हैं जो बेचारे अभी स्टार्ट ही हुए, और फिर बोलो कि जो भगवान चाहता है, और जब टाइम टू टाइम इनको लेक्चर देना होता है तो टाइम टू टाइम लेक्चर भी देने आओ। अरे भैया जनता जनार्दन को कि अपना मन अच्छा रखो, शांत रहो, सबकी हेल्प करो, कुछ गलत मत करो, है ना, हमेशा ये सब चीज़ें आके जो जिज्जी तुम बोलती हो। प्लस अभी अगर आप लोग देखिए, मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी, इन्होंने कोर्ट में शो कर रखा है कि मॉम विद जीरो इनकम, जो ये यूट्यूब की जो इनकम है ये एक स्टेबल इनकम नहीं है। ठीक है, वो होता है, कई बार आपके मंथ में बहुत अच्छी इनकम बन जाती है, कई बार होता है आपका बिल्कुल $100 भी नहीं बन पाते, राइट, और $100 होते हैं तब ही आपके जो प्रॉपर एक इनकम है वो आपके अकाउंट में आती है। तो यहाँ पे जिज्जी कहीं ना कहीं अपने केस को इतना जो पड़ चुका है वीक, क्योंकि प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें, अरे भैया सबके एडवोकेट बताते हैं ये करो ये करो, जिज्जी ने मेंटेनेंस मांगा हुआ है भैया वहाँ छुटकन्ने जिज्जा से, अंकुश से, हैं कि हर महीने मुझे इतना चाहिए मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, ठीक है, या बच्चे से मिलने भी ना दें, बच्चे से मिलने भी ना दें। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने कोर्ट में शो कर रखा है कि मैं जीरो मॉम विद जीरो इनकम कोर्ट, है ना। तो यहाँ पे तो यूट्यूब की कभी भी देखो अर्निंग मेरी बंद हो सकती है। तो जिज्जी ने यही, इसीलिए ये जो चैनल है, हाँ चैनल को ये जो नाटक किया जा रहा है कि चैनल चला जाएगा या 7 दिन, अभी 7 दिन हुए नहीं है दोस्तों, अभी थोड़े दिन देखते हैं, हाँ ना ही जिज्जी ने अभी तक वो स्क्रीनशॉट का मेल दिखाया है। अगर वाकई मेल आता तो जिज्जी दिखा देती, और वाकई अगर चैनल टर्मिनेट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, मैंने आपको लिंक्ड अकाउंट का भी बताया था, क्या जिज्जी इसीलिए मेल नहीं दिखा पा रही है? खैर अगर यही मेरे को लग रहा है कि मॉम विद जीरो इनकम इनको यूट्यूब पे शो कर, वहाँ पे कोर्ट में शो करने की मेरी इनकम नहीं आती, देखो चैनल मेरा बंद हो गया, हाँ क्योंकि चैनल चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, और दूसरा चैनल पे वहाँ पे ऐड भी स्टार्ट हो गए, साथ साथ उस चैनल की भी पब्लिसिटी करो। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों चैनलों से आएंगी, वीडियो बनाएंगी और खूब सारे डॉलर कमाएंगी, और अब अपने दुख, अब क्या बेचें, देखिए क्या बेचें, लोगों के मन में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए, क्योंकि अब हद हो चुकी है, इतना चैनल इनका डाउन जा चुका है। लेकिन आज कह रही थी मेरा @ अब चल रहा है, मेरा @ सर्च में आ रहा है, लोगों को बुद्धू बनाओ तो अब बीमारियाँ लेकर आओ। ठीक है, देखिए आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को ये बीमारियाँ कुछ ना कुछ हैं, अगर हम भी अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ निकलता है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आके बेचना, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, मैं चाहती हूँ कि आप हर 3 महीने 6 मंथ्स में जाके अपना चेकअप करवाओ। तो मैं आज पे ये पूछना चाहती हूँ, तुम्हें बड़ा जल्दी याद आ गया फैमिली है, तुम्हें तब याद नहीं आया जब नीचे कमेंट्स में जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं तरू वाले वो बोल बोल के थक जा रहे हैं, अरे जिद्दी रिश्ते का क्या हुआ, पप्पू बाबा का, वे रिश्ते का छोड़ो, वो तो उस कमेंट को बस हार्ट देके निकल लो पतली गली से, रिप्लाई मत दो। लेकिन जब पूछे एक जिज्जी स्वीट कहाँ से लिया है, तो दोनों जिज्जियाँ तुरंत बताने आ जाती है, आजों से लिया, आजों से। उधर बग्गा मामा वो अपनी वीडियोज में दुख दर्द बीमारियाँ, उसका भी कम हो गया क्या, विटामिन B12 और D3। तो यही है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों को लाके बेचो, इस चीज़ को कंटेंट बनाओ, लोगों की सिंपैथी पाओ, कोर्ट केस में कहीं ना कहीं घुमाओ। प्राइमरी सेकेंडरी चैनल, मतलब प्राइमरी चैनल ये हो गया, अब सेकेंडरी चैनल वो हो गया, भाई क्या बात है जिज्जी, कितना मतलब सी बना रही है लोगों को, लोगों को दिख नहीं रहा क्या, लोग अंधे हैं क्या कि जिज्जी दोनों चैनल से खूब कमाई कर रही हैं, बाकी जिज्जी आपको बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों ने तो यहाँ तक ये भी बोल दिया कि अब तुम पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन जिज्जी हर एक कमेंट को रख रही हैं। जिज्जी का मेन मकसद है चाहे हेट मिले, जो भी मिले, चाहे थुक के जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आओ मुझे व्यू दो। तो उसी व्यूज़ के चक्कर में चल रहा है भैया, घर बनाना है, अब दो दो चैनलों का बोझ, अब सेकंड चैनल जिज्जी किसको ये हैंड ओवर किया जाएगा आपको पता ही है, नहीं बड़ी अपनी मम्मी जी को, है ना, रिटायरमेंट के बाद आंटी जी भी तो बनाएंगी वीडियोज़, भैया हर महीने उनको भी डॉलर कमाने हैं, इस तरह से तो घर बनेगा और आगे की चीज़ें करेंगे। तो ये है एक इनका अच्छा सा प्लान कि दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी, चैनल भी लॉन्च हो गया, ठीक है, और साथ साथ कोर्ट में भी दिखा देंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रॉपर चैनल चल रहा है, उस पर ऐड भी आ रहा है, दोनों चैनल लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि छोटा बच्चा है, यस, उसको अभी तक दिखाया नहीं जाता था, उसकी आवाज़ भी अब नहीं सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी ये भी चीज़ है कि बच्चे को बिल्कुल फादर जो सुन पाता था ना, जो थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती थी वो भी छोड़ो, मतलब बिल्कुल बच्चे को सुनाना तक बंद कर दिया। तो ये कितनी क्रुएल्टी तक ये लोग पहुंच चुके हैं, कितनी नेगेटिविटी तक पहुंच चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। बाकी थोड़े से दर्शन मैं आप लोगों को इनके कॉमेंट सेक्शन में करा देती हूँ, और अगर आप लोग न्यू हो चैनल पर तो आप लोग कर दो सब्सक्राइब यार, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दो। अब जिज्जी जो ये जिज्जी का नया वीडियो है, कितना रोऊंगी मैं, अब आदत हो गई,
मतलब ये दिखाओ सबको कि भाई मेरी लाइफ में तो दुख ही दुख है। अपनी गलतियां मत देखो कि तुमने किसी नबाब के साथ क्या किया, तुमने कितनों के चैनलों के साथ क्या किया, लेकिन नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों दुखी। अब भैया सब लोग लिख रहे हैं, देखिए झूठ तुम्हारे मुंह से कितना अच्छा लगता है, 181 लाइक्स के हैं, मतलब जिज्जी देख लो, सबको पता है कि तुम सबसे बड़ी हो छोटी। मैम आप लोगों को कोई स्टैंड है? आप लोग कितना मैनिपुलेट करते हो ऑडियंस को। अब तो सबको ऑडियंस को समझ आने लगा है कितना वुमेन कार्ड सिंपथी कार्ड खेलोगी। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अरे जिज्जी के लिए मैंने बोला ना, चाहे यहाँ पे थूक के जाओ, चाहे कितने भी गंदे कॉमेंट्स करो, जिज्जी कहेंगी बस आओ। अब तो कॉमेंट्स भी रखे जा रहे हैं। भैया एक ने लिख दिया कि वाई आर यू शिफ्टिंग ऑन न्यू फ्लोर, यू शुड स्टे ऑन द ग्राउंड फ्लोर ओनली। अरे भैया अभी आने दो, नया अपना अलग किचन बनवाया जा रहा है, पता चल जाएगा कि जिज्जी खुद बनवा रही है या जिज्जी किसी और के लिए बनवा रही है। वेट एंड वॉच, इतना नॉर्मल है, कोई रिपोर्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही है, लोग यही तो कह रहे हैं तो नॉर्मल है भैया, इतने सारी जो इतनी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें क्या क्या बड़ी बड़ी बीमारी निकल जाती है, फिर वो लोग क्या करें, वो लोग भी यूट्यूब पे आएँ, अपना सिंपैथी कार्ड, अपना दुख दर्द बांटें और लोगों का प्यार हमदर्दी लें। हाँ एक तरफ चैनल भी लॉन्च हो गया और ताकि लोग ऑडियंस भी ज़्यादा आ जाए। अब ये नई नई टैक्टिक्स हैं चैनल चलाने की। कितनी झूठी हो तुम, पहले बोल रही थी बंद हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी चैनल की बात कर रही हो, यानी दोनों हाथों से दोनों चैनल से कमाई करो और व्यूअर्स को बेवकूफ़ करो। ज्ञान की देवी अब खूब ऑयली खाती हो तभी मोटी हो रही हो। भैया इनका समझ नहीं आता, कभी बोलती मैं बहुत पतली हो गई, कभी बोलती मैं बहुत मोटी हो गई, मैंने बहुत जंक खाया, मैंने बहुत चाय पी, मैंने बहुत मीठा खाया और फिर अपनी थायराइड लेके आ जाओ, क्या ही बोले जी। और फिर इन्होंने बीच में ये भी बोला था कि इंसान हट्टा कट्टा लगता है ना, लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी वो वही जानते हैं कि उसको कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो जिज्जी का चैनल सर्चिंग में भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और जिज्जी लिंक पे जा जाके भी, डिस्क्रिप्शन में जा जाके भी दे रही है अपने नए चैनलों का लिंक। तो फ्रेंड्स यही है, जिज्जी के आने वाले वीडियोस में भी आपको दोनों चैनल पे बराबर वीडियोस दिखेंगी। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और जिज्जी ने अभी तक मेल वेल कुछ नहीं दिखाया। खैर 7 दिन का वेट कर लेते हैं टर्मिनेशन का, जिज्जी का पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये ब्लॉगर्स आके आप लोगों को पागल बनाते हैं, लेकिन नहीं 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 आप लोग पागल मत बनिए, आप लोग जागरूक बनिए। अब जिज्जी आगे यही करने वाली है, इस तरह का कॉन्टेंट लेंगी। और ये भी हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे इनको कोर्ट जाना पड़े बच्चे को लेके, तो कहीं ना कहीं बीमारियों का तो नाटक नहीं बनाने वाली हो इस बार जिज्जी, ताकि मुझे कोर्ट ना जाना पड़े, हाय मैं कैसे जाऊँ, है ना। चलो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। प्राइमरी चैनल, सेकेंडरी चैनल, माय गॉड कितनी लालची हो तुम, शर्म कर लो।